साल है 1974। साइंटिस्ट अपने माइक्रोस्कोप में कुछ सेल्स को डिवाइड होते हुए देख रहे थे, पर एक प्रॉब्लम थी। कुछ दिनों बाद ही ये सेल्स मर जाते थे। कुछ सालों बाद ही पता चला कि क्यों हमारे सेल्स बूढ़े होते हैं और क्यों वो मर जाते हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं जिससे कि हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकें, यहाँ तक कि खतरनाक बीमारियाँ जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें। आइए जानते हैं। साइंटिस्ट ने ये ढूंढा कि जो सनलाइट होती है उसमें यूवी रेज होती हैं और वो हमारे सेल्स में म्यूटेशंस कर सकती हैं। म्यूटेशंस का सिंपल मतलब ये है कि जो फर्दर सेल्स बनेंगे, आने वाले सेल्स होंगे, उनमें कुछ अबनॉर्मल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो कैंसर को भी राइज दे सकते हैं और बाकी डिजीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। और नॉर्मली भी जब हमारे पुराने यानी कि ओल्ड सेल्स डिवाइड होते हैं नए सेल्स को फॉर्म करने के लिए, तो जो उनका डीएनए डुप्लीकेशन होता है उस टाइम पे अगर म्यूटेशंस हो जाती हैं तो भी ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है अब नॉर्मल सेल्स फॉर्म होने की। यानी कि सेल जितना बूढ़ा होगा तो जब भी वो डिवाइड होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे म्यूटेशंस होने के और आगे जाके डैमेज सेल्स फॉर्म होने के। कुछ स्टडीज़ में यही पाया गया कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के ऊपर एक टीलोमियर होता है उसकी एक एंड पे, और उसकी शॉर्टनिंग होती जाती है जितनी बार सेल डिवाइड होता है। और ये शॉर्टनिंग जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितने ज़्यादा चांसेस होंगे सेल के डैमेज होने के। दूसरी चीज़ है जो हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एक तरह का पावर हाउस होता है हमारे सेल के लिए, यानी कि वो हमारे जो सेल होता है उस कितने भी ऑर्गेनल होते हैं उनको एनर्जी देता है और सेल को जिंदा रहने में मदद करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाएगा तो सेल भी ख़त्म हो जाएगा, साथ ही में वो ऑर्गेनिज्म भी मर जाएगा। यहाँ तक कि ये इतना तेज हो सकता है, आपने सुना होगा कि किसी ने साइनाइड खा लिया तो साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोक्रोम C4 को जाके ब्लॉक कर देती है और इसी की वजह से सेल एनर्जी नहीं बना पाता है और जो खून के अंदर से जो ऑक्सीजन मिलती है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है सेल, और इसीलिए इंसान की तुरंत ही डेथ हो जाती है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए। तो नॉर्मली ये पाया गया है कि जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया भी स्लो डाउन हो जाता है और इसीलिए सेल को भी कम एनर्जी मिल पाती है और फिर दोबारा ये मिस्टेक्स और म्यूटेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में सेल्स में एसिटाइलेशन का भी चांस बढ़ जाता है। एसिटाइलेशन का सिंपल मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एसिटाइलेशन होगा उतनी ज़्यादा एजिंग होगी, उतना ही ज़्यादा जल्दी बूढ़ा होगा सेल। तो इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं आइए जानते हैं। ये पाया गया है कि कुछ डाइट्स और कुछ फास्टिंग्स की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमारी जो बॉडी है वो एक तरह के स्ट्रेस वाले स्टेट में पहुंच जाती है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसीलिए सेल्स की एजिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है और लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही में ये भी पाया गया है कि कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में सर्टोइंस को इंक्रीज कर देती है। ये एक तरह के सेल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं जो एसिटाइलेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारी सेल्स की जो एजिंग होती है वो भी स्लो हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एसिटाइलेशन इंक्रीज होगी तो सेल जल्दी बूढ़ा होगा। और इसीलिए कुछ स्टडीज़ में यह पाया गया है कि 16% तक लाइफ इंक्रीज हो जाती है चूहों की यानी कि माइस की जब उन्हें सर्टोइंस वाली डाइट पे रखा जाता है। तो कुछ फूड्स जैसे कि ब्रोकली, सोयाबीन, ग्रीन टी में ये पाया गया है कि ये चांसेस डिक्रीज कर देते हैं हार्ट डिजीज़ के और डायबिटीज़ के और कैंसर तक के। और अगर साथ ही में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर दें तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी तो इंक्रीज़ हो ही जाती है और एक्सरसाइज करने से माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और वो शॉर्टनिंग जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और इसीलिए जो सेल की एजिंग होती है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमारा जो बॉडी है उसमें एजिंग होती है और हम किस तरह से उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।